भारत में त्योहारों का सीजन चल ही रहा है, लेकिन भारत से इतर विदेशों में एक ऐसा त्योहार या कहें कि म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है जो पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस फेस्टिवल का नाम कुश स्टॉक फेस्टिवल है, जो पश्चिमी देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ दुनिया भर से कई लोग आते हैं और गांजा या कहें वीड का लुत्फ उठाते हैं। इस त्योहार का मोटिव देश में गांजे के व्यापार को बढ़ावा देना होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये गैर कानूनी काम कैसे हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि अधिकतर पश्चिमी देशों में गांजे का सेवन या खेती करना गैर कानूनी नहीं है और इसी के चलते वहां ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। ताज़ा म्यूजिक फेस्टिवल अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद एटलांटो शहर में आयोजित हुआ, जहाँ एक रैपर ने कुछ ऐसा कर दिया जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में हो रहे 13वें कुश स्टॉक फेस्टिवल के दौरान दर्शकों को गांजा का लुत्फ देने के लिए रैपर चकी चक ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। 42 साल के रैपर ने इसके लिए एक इवेंट कंपनी से संपर्क किया और कैनोबिस या कहें गांजे की पत्तियों को एक टॉर्च जैसे दिखने वाली वस्तु में डालकर जलाया, जिसके बाद रैपर ने उसे एक फॉग मशीन में भरकर स्टेज पर खूब उड़ाया। गांजे की महक और धुएं को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया। आपको बता दें कि अमेरिका में गांजे का सेवन कानूनी है या गैर कानूनी, इसका फैसला राज्य सरकार करती है। वहीं कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला ऐसा राज्य है जहां इसे लीगल माना गया है। हाल के कुछ सालों में मेक्सिको, कनाडा जैसे कई देशों ने गांजे को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था और इनके अलावा भी कई देश गांजे के व्यापार को बढ़ाने के लिए कई तरह के इवेंट करवाते आए हैं और उसी में से एक है ये कुश स्टॉक फेस्टिवल। ये म्यूजिक फेस्टिवल 21 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त आयोजित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।